On the 5th of May, the NEET examination was conducted in three schools in Bahadurgarh city in Haryana. The Hardayal Public School, SR Century School and the Vijay Senior Secondary School. What happened at these centres on that day has left the students stressed and worried. Owing to some confusion and communication gap, two different sets of question papers were distributed to the students of these three centres. But only the candidates who took the examination at Hardayal Public School got the grace marks. So what exactly happened that day? And who is responsible for the goof-up in the distribution of two sets of question papers? R.N. Kindra, the chairperson of Vijay Senior Secondary School, explains. कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपने कौन सा पेपर ठीक है सर हमें इंस्ट्रक्शन मॉर्निंग में दी कि 8:30 बजे आप स्टेट बैंक से पेपर कलेक्ट करो ठीक है हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट गए उन्होंने कलेक्ट फिर कहा जी कैनरा बैंक में जाओ वहाँ से कलेक्ट ये भी इंस्ट्रक्शन थी देने कि 115 पेज चार बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल गया डिजिटल सर आपकी बात दो बॉक्स स्टेट बैंक से मिले दो बॉक्स कैनरा बैंक से ठीक है ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि हमने कौन से पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या ये भी नहीं क्लेरिफाई था कि इन दोनों में क्वेश्चन पेपर अलग अलग है अच्छा ये बिल्कुल कहीं क्लेरिफाइड नहीं हुआ ठीक है ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ सर थैंक यू आवर रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड उसके बाद सिटी कोऑर्डिनेटर ने मीटिंग ली आवर रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस वर फॉलोड इन लेटर एंड सबमिट According to Mr. Kindra, there was no clear communication about the two sets of question papers or which one was to be distributed. All this despite the coordination meetings and orientation programs that only discussed procedures for conducting the exam. Mr. Kindra then explained how the whole mess started. गड़बड़ कहाँ से हुई मैं वहां से स्टार्ट करूँ ये था कि जो चार बॉक्स हैं ये 1:15 पे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे इसमें कमांड दी गई है यू नीड नॉट ओपन अगर कोई खोलना भी चाहे तो नहीं खुल सकता ठीक है 115 पे एक बॉक्स खुला अच्छा टीम नहीं खुला ओके हमारे सुप्रिटेंडेंट ने फोन किया एनटीए उन्होंने कहा इसको तोड़ दो या आगे आरी से काट दो क्योंकि उन्होंने बॉक्स के साथ आरी भी दी हुई अच्छा इन्होंने आरी से काट दिया एनटीए से दो ऑब्जर्वर भी थे यहाँ एवरीथिंग वाज डन अंडर देयर सुपरविजन ठीक है अब जब पेपर हमने निकाले बच्चों में बांट दी प्रिज्यूमिंग की यही बांटने प्रिज्यूमिंग की एक ही सेट है जैसे बैट बांटे एक बच्चा ने बताया वो रिपीटर होगा उसने पहले दिया हुआ होगा कि हमें तो एक ही क्वेश्चन पेपर करना है आपने अलग अलग दे दिए दो अच्छा वन स्टूडेंट पॉइंटेड आउट टू द एमबीसी इमीडिएटली हमने रोक दिया उसको Actually, the NTA sends two different sets of question papers to two different banks for safekeeping. The first set of papers kept with the State Bank of India was meant for the regular exam day distribution. The second set, kept with the Canara Bank, was supposed to be a backup, to be used only in a contingency like a paper leak or some unforeseen situation. अच्छा सर, दोनों पेपर में क्या अंतर है? ये होता है पेपर स्टैंड बाय कि अगर एक पेपर लीक हो जाता है तो उसको स्टैंड बाय लेकिन हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया वी वर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय सिटी कोऑर्डिनेटर पेपर अब आप अगर क्वेश्चन पुट अप करें क्योंकि तो बच्चों का इंटरेस्ट का सवाल है वी आर विद द स्टूडेंट्स जो गलती हुई है हुई है Once they realized there was a mix-up in the question papers, the invigilators and the NTA observers were clueless about what protocol to follow.
सुपरिटेंडेंट ने फोन किया सिटी कोर्ट में, 2:08 ठीक है, उनका रिस्पॉन्स आया कि यू वेट माई इंस्ट्रक्शन। 2:20 पे उनका फोन आया कि कोई सा भी पेपर बांट दो। ठीक है ठीक है, तो जो कैनरा बैंक के पेपर थे वो बच्चों के पास थे, और 4 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो स्टेट बैंक का पेपर था, बच्चों को तो दोनों बटे गए, उसमें से कुछ क्वेश्चन कर लिया। अच्छा, वो बोले हम तो यही करें। उनकी इंस्ट्रक्शन ये आई कि जो बच्चा है दोनों एनटीए के हैं, इनको करने। ठीक है। So except for the 4 students, all other candidates at Vijaya School attempted the standby question paper of Canara Bank. According to the students, this was a tougher paper. Mr. Kindra adds he also gave extra time to the students to cover up for the delay. But he admitted that something did go wrong. Agar aap humare student yahan jo bhi hai, it is a fact ki time loss 30 minutes hua hai. बट नो स्टूडेंट विल डिनाई कि हमने 1 मिनट भी कम दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो सारा प्रोसीजर है एनटीए के सीसीटीवी कैमरा फिक्स, वो अपने साथ ही ले गए फुटेज, एंड आई थिंक कि हमारे पास कोई ज्यादा क्वेरी नहीं आई कि दे हैव सीन कि इन्होंने 5:50 पे ही क्वेश्चन के आंसर शीट पर। अगर स्कूल का कहीं फॉल्ट होता ना, मैं आपको बता दूं, व्हाटएवर इट इज, विजय स्कूल और एनी स्कूल, एंटी स्पेयर था वो, दे नो इट इज नॉट अवर फॉल्ट, दैट इज देयर फॉल्ट। आवर टीम आल्सो मेट अप विद इशा who lives in Jhajjar and took her NET examination at the Vijaya Senior Secondary School on the 5th of May. After the question paper mix-up at the center, Isha feels cheated and is seeking answers to her numerous queries. She was among those who got the standby question paper, which was tougher. Isha is upset that students at the Hardayal School Center who faced a similar mix-up of the question papers not only got grace marks, but also a chance to take the retest. Though her center gave her extra time, Isha feels she also deserves a retest. सर, हम 2:00 को हम नॉर्मली पेपर देने के लिए गए, हमें वहाँ पे S4 कोड दिया गया जो ऑल इंडिया पेपर था, फिर बाद में वो हमसे वापस ले लिया गया और हमें ये बोला गया कि हम आपको दूसरा पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, एक गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो 15-20 मिनट बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर दिया गया जिसका कोड O2 था जी। और वो O2 जो कोड था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था पूरे जो ऑल इंडिया पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो हमें बाद में पता चला। लेकिन 5:20 के बाद से हम टाइम लेके चल रहे थे कि 5:20 पे हमारा पेपर ओवर हो जाएगा, बट उन्होंने हमें कहा कि आपके जो टाइम वो वेस्ट हुआ था वो हम आपको दोबारा प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने हमें ऐसे करके 10 मिनट, फिर ऐसे कर करके टुकड़ों में टाइम दे के वो टाइम कंप्लीट कर दिया गया जी। और फिर हमें वापस घर आके पता चला कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर था वो सबसे डिफरेंट था जी। तो अब उस चीज़ के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन देनी चाहिए, ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट करवाएं और बिल्कुल फेयरनेस से करवाएं कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर डिफरेंट प्रोवाइड किया गया उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करवाया जाए। लेकिन इन्होंने एक सेंटर पे नॉर्मलाइजेशन करवा दिया गया ग्रेस मार्क्स दे के और हमारे सेंटर को छोड़ दिया। फिर बाद में हमें पता चला कि काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो हमने रीनीट के लिए भी केस फाइल अप करवाया। जो विजय स्कूल वाले थे उन्हें कोई भी रिलीफ नहीं मिला इस चीज़ के लिए। What does NTA protocol say in such cases? In case of any problem in paper delivery to the center, NTA has to first inform the center and then they are directed to compensate for the loss of time as per guidelines. 25 minutes, standard protocol in this case. The center superintendent has to inform the testing agency authorities about the paper mix-up. The price of negligence, what our investigation concluded. How the superintendent of examination center had no clue about which question set was to be distributed points to instances of students' time being wasted due to the paper mix-up. Children were clearly under pressure to finish the paper on time. No grace marks were given in this center because extra time of 25 minutes was allowed. However, the students were confused and stressed as the extra time was allotted in installments
of 10 minutes each.